हेलो गाइस वेलकम टू दिस चैनल सो मैंने सोचा कि अभी तक मैंने एक भी कैनवस पेंटिंग नहीं बनाया हूँ गणपति जी का सो so, आज मैं सोच रहा हूँ गणपति जी के ऊपर एक कैनवस पेंटिंग अच्छा सा बनाया जाए सो so, इसे कलर करना बहुत ही सिंपल है यूनिक है और यह बहुत ही कलरफुल होने वाला है बहुत सारा कलर इसमें ऐड होने वाला है जिससे यह बहुत ही सुंदर लगेगा सो so, गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेलाइकन पर क्लिक करें जिससे हमारा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट लेट स्टार्ट द वीडियो सो so, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये कैनवस बोर्ड का साइज़ कितना है ये 30 इंटू फोर्टी सेंटीमीटर का साइज है जो आपको पता ही कहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि मैं सारे वीडियो में यही बताता हूँ सो so, मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद मैं ऑरेंज कलर से इसे स्लोली स्लोली मिक्स करूंगा सो so, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है मिक्स करने का पहले मैं रेड कर चुका हूँ और उसके बाद मैं ऑरेंज कलर का कर यूज़ करके इसे स्लोली स्लोली मिक्स करूंगा ये सारे जो सर्फेस है उस पर इसके बाद हम क्रोम येलो का यूज़ करेंगे अगर आपके पास क्रोम येलो नहीं है तो आप डीप येलो का भी यूज़ कर सकते हो सो फर्स्ट पार्ट जो मैंने कलर किया था वो मैंने रेड एंड ऑरेंज को मिक्स करके किया था और ये जो सेकेंड पार्ट मैं जो कलर कर रहा हूँ ये क्रोम येलो और मैं डीप येलो को मिक्स करके इस पर अच्छा सा एक इफ़ेक्ट डाल दूँगा जो अच्छे से बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर देना है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कैसे मिक्स करना है सो सेम प्रोसेस हम सारे में करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगेगा सो so, अब हम इस पार्ट में यूज़ करेंगे डीप येलो का और मीडियम येलो का अगर आपके पास डीप येलो नहीं है तो आप मीडियम येलो का और एक येलो में वाइट को मिक्स करके एक लाइट इफेक्ट आप डाल सकते हो इस पर सो so, मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ सॉरी मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ डीप येलो और मीडियम येलो जो नॉर्मली अवेलेबल है सारे शॉप में अवेलेबल होगा और आपके पास भी होगा सो so, ये सेम प्रोसेस हमें करना है एकदम ईजीली करके मिक्स करना है जैसे कि आप लोग करते हो सो so, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही कलरफुल लग रहा है जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था वीडियो पे सो इट्स कंप्लीट अब सेकेंड पार्ट को हमें पिंक करना है पिंक टू वाइट के कलर की जैसा करना है कि पिंक इज़ वाइट रहे सो so, जो दिखने में बहुत ही ग्लो लगे तो मैं पहले रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पिंक कलर है नहीं मेरे पास तो मैं रेड कलर में वाइट कलर को मिक्स करके उसे पिंक का एक इफेक्ट डाल देता हूँ और कान के जो नीचे वाले पार्ट है उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ डीप ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर का और मैं उसे एक अच्छा सा मिक्स कर दूँगा और जो अब बच चुका है हमारा बैकग्राउंड जो सबसे मेन होता है पेंटिंग का बैकग्राउंड आप कितना भी अच्छा बना लो फेस या कुछ भी बना लो अगर जब तक आप बैकग्राउंड तो सही से नहीं बनाते हो ना तब तक वो पेंटिंग दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा सो so, अब जो बैकग्राउंड का मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ वो है पर्सियन ब्लू स्काई ब्लू एंड वाइट कलर का मैं जो यूज़ करके उसे कर रहा हूँ सो so, इसे करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है जिससे कि हम लोग टैप टैप करके कर सकते हैं तो ये मैं टैप टैप करके कर रहा हूँ टैप 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 करके जैसा कि हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं ब्रश का तो ऐसा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसे थोड़ा कुछ एक अलग बैकग्राउंड इफेक्ट डालने के लिए मैं इसे टैप टैप करके यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने पर्सन ब्लू को टैप टैप करके यूज़ किया उसके बाद मैं अभी स्काई ब्लू को टैप टैप करके यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं फिर व्हाइट कलर को लूँगा और टैप टैप करके सेम यूज़ करूँगा जिससे कि ना ये सामने से सा अगर आप देखोगे तो ये दिखने में कुछ अलग जैसा इफ़ेक्ट लगेगा सो so, आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप नहीं चाहो तो आप नॉर्मली यूज़ भी कर सकते हो सो so, मैं तो टैप टैप करके जस्ट यूज़ कर रहा हूँ सो so, अब मैं वाइट कलर को लेके कुछ कुछ जगह पे हाईलाइट कर दूंगा जिससे दिखने में अच्छा लगेगा और एक अलग सा बैकग्राउंड लगेगा सो so, बैकग्राउंड आप पे डिपेंड करता है आप चाहो तो कुछ और भी इफेक्ट इस पर डाल सकते हो या कुछ लिटिल कुछ चेंज करके भी अलग कर सकते हो सो so, मैं ऊपर जो था मैं ऊपर में पहले स्काई ब्लू का और ब्लू का कॉम्बिनेसन कर दिया था और नीचे मैं सोच रहा हूँ कि ब्राउन एंड रेड का यूज़ करके एक अलग सा इफेक्ट डाल दूँ जिससे कि ऊपर और नीचे का दिखने में बहुत या कुछ हल्का डिफरेंट लग रहा है सो so, वैसा आप सेम भी कर सकते हो ऊपर का कलर का या आप कुछ डिफरेंट भी कर सकते हो सो so, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट ये वाला इफ़ेक्ट भी और इसे कुछ थ्री डालने के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि पीछे बैकग्राउंड को हल्का हल्का ब्लैक कर दूँ जिससे लगे कि कुछ थ्री जैसा कुछ इफेक्ट आ जाए सो so, हमारा 80 परसेंट पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है अब थोड़ा सा पार्ट जो बचा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे कंटिन्यू करूँ डार्क ब्राउन एंड ब्राउन को मिक्स करके और बीच में कहीं येलो कलर को मिक्स करके सो so, बैकग्राउंड अब कुछ ही बचा है ये सारा हो चुका है कंप्लीट सो so, अब बच जाएगा कि हमारा क्या कि हमें इसे अच्छे से आउटलाइन करना होगा ब्लैक से एंड वाइट कलर का यूज़ करके हाईलाइट करना होगा सो so, अब हमारा बैकग्राउंड होता है कम्प्लीट सो so, मैं इसे भी सेम कर दिया था जो मैं ऊपर का यूज़ किया था सो so, अब हो चुका है हमारा बैकग्राउंड कम्प्लीट अब हम जो थोड़ा मोड़ा जो साइड का जो बच चुका है बच चुका है उसे भी हम कोई भी रैंडमली कलर एक दे देते हैं जिसे वो भी दिखने में कुछ अच्छा और थ्री लगे तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पहले ब्लैक कर देता हूँ फिर उसके बाद मैं ब्लू का यूज़ करके उसे एक अच्छा सा डार्क टू लाइट का इफेक्ट डाल देता हूँ जिससे दिखने में कुछ थ्री टाइप का लगे सो ये हो चुका है हमारा कम्प्लीट सो so, अब आई को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ पूरा ब्लैक और उसके बाद मैं जितना सारा आउटलाइन है उसे ब्लैक से आउटलाइन कर दूंगा और वाइट कलर का यूज़ करके मैं उसे एक अच्छा सा हाईलाइट डाल दूंगा जिससे दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे सो so, ये अभी सच में दिखने में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा है अगर आप इसे चाहते हो तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हो बना भी सकते हो ये दिखने में सच में बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा है सो so, इसे मैं आप अच्छे से हैंग कर दूंगा अपने वॉल पे सो so, हो चुका है अब हमारा पेंटिंग ये कंप्लीट अच्छे से सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें सो so, एक कमेंट तो बनता है यार इतना अच्छा कलरफुल पेंटिंग के लिए एक कमेंट तो बनता है सो so, ये सच में हो चुका है कम्प्लीट और मैं कुछ कुछ जगह पे वाइट से हाईलाइट कर दूंगा। सो so, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और आइकन पर क्लिक करें जिससे हमारा कोई भी न्यू वीडियो आएगा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सो so गाइज हमारा गणपति जी का पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है और आप इसे रिक्रिएट करना चाह रहे हो तो आप इसे रिक्रिएट कर सकते हो क्योंकि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है सो so, इस पर बहुत सारा कलर यूज़ किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है सो so गाइज आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल और बेलाइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे हमारा कोई भी न्यू वीडियो आएगा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा या कुछ भी पोस्ट अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऐसे अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो बहुत ही ज़्यादा और नहीं भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करे, करें और बेलाइकन पर क्लिक करें जिससे हमारा कोई भी न्यू वीडियो आएगा या इससे बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो टाटा टेक केयर